ओके आज का क्लास हो जाएगा। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कोएगुले कैपेसिटेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल दें कैपेसिटेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। अब हमें पता है कि जो फर्टिलाइजिंग है ग्लाइकोप्रोटीन है, सरफेस ऑफ एग, और एंटी फर्टिलाइजिंग जो है वो सरफेस प्रोटीन है ऑन स्पर्म, ठीक है। अब ये देखना है कि दोनों की आपस में एफिनिटी होती है, ठीक है। एफिनिटी होने की वजह से जो फर्टिलाइजिंग है, फर्टिलाइजिंग अट्रैक्ट करता है एंटी फर्टिलाइजिंग को दैट रिजल्ट्स इनटू एग्लूटिनेशन एग्लूटिनेट करवा देगा ओवम के सरफेस के ऊपर स्पर्म को, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग ओवम या एग बाय स्पर्म, ठीक है। और ये जो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन होता है, ठीक है, तो इसमें ये भी देखेंगे ये स्पीसीज स्पेसिफिक है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इट इज स्पीसीज स्पेसिफिक, ठीक है। स्पीसीज स्पेसिफिक होने की वजह से अदर स्पीसीज के स्पर्म को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। मतलब अदर स्पीसीज के स्पर्म से फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करेगा फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, ठीक है। अब ओवम के पेरिफेरी पे स्पर्म को ला करके एग्लूटिनेट करवा देने का मतलब ये है कि ये फर्दर, ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शन को प्रमोट करता है, ठीक है। तो हम ये बोल दें कि इट फर्दर प्रमोट एक्रोसोमल रिएक्शन बाय एग्लूटिनेटिंग स्पर्म ऑन एग्स सरफेस, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जैसे
हम ये कह लें कि ओवम का सरफेस है, अब इस सरफेस पे बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब ये इसके सरफेस में ला करके स्पर्म को एग्लूटिनेट करवा दिया, ठीक है। अब जब स्पर्म इसके सरफेस में आकर के एग्लूटिनेट हो गया, तो अब ये फर्दर किसी आगे के रिएक्शंस को प्रमोट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली एक्रोसोमल रिएक्शन क्या है, ठीक है, चलते हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन, देखेंगे कि एक्रोसोमल रिएक्शन में बेसिकली होगा क्या कि हमें पता है स्पर्म का, ये मान लो स्पर्म बॉडी है, ठीक है, और ये इसका फ्लैजिला का पोर्शन मान लेते हैं, इस स्पर्म के हेड के ऊपर एक्रोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस एक्रोसोम के अंदर बहुत सारा क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। होगा क्या कि जैसे ही जा करके ये हिट करता है ओवम के सरफेस को या एक के सरफेस को, तो एक्रोसोम टूट जाता है। एक्रोसोम टूटने की वजह से अब होगा क्या कि जैसे सपोज करो कि ये स्पर्म है, ठीक है। अब हुआ है कि एक्रोसोमल मेम्ब्रेन टूट जाए, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, टूटने के बाद ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा, जो स्पर्म का हेड है वो भी डैमेज हो जाएगा, एक्रोसोम का तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर थे वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे, ये सपोज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। अब कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो बेसिकली तीन तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। एक है एक्रोसिन, ठीक है। इस एक्रोसिन को हम जोना लाइसिन भी बोलते हैं, जोना लाइसिन भी बोलते हैं, जो डाइजेस्ट करेगा जोना पेलुसिडा को, ठीक है। तो हम बोल दें डाइजेस्ट जोना पेलुसिडा, ठीक है। एक एंजाइम यहाँ से रिलीज होता है हाइलूरो निडेज, अब हाइलूरो निडेज जो होगा वो डाइजेस्ट कर जाएगा हाइलूरोनिक एसिड को, ये दूसरा है मान लो, ठीक है। तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं डाइजेस्ट हाइलूरोनिक एसिड, अब क्या है कि एक तीसरा अभी एंजाइम यहाँ से रिलीज हो जाएगा, थर्ड एंजाइम, इसको मान लेते हैं ट्रिप्सिन लाइक सब्सटेंस या कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिप्सिन लाइक सब्सटेंस। ट्रिप्सिन के जैसा ही होता है ये, इसीलिए ट्रिप्सिन लाइक सब्सटेंस बोल देते हैं, ठीक है। या फिर इसको जो दूसरा नाम देते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है। तो ये हो गया कोरोना
पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है, तो ये कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर देता है। इसी रिएक्शन को स्पर्म का ओवम के सरफेस पे हिट होना, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन का टूटना और डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हो करके ओवम के सरफेस को डाइजेस्ट करके जो स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल है उसकी एंट्री कराना ओवम के अंदर, इसी पूरे रिएक्शन को बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दीज एंजाइम्स हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द मेम्ब्रेन ठीक है ऑफ एग। अब इसमें क्या होता है कि ये कंडीशन जैसे हम लोग समझें, यहाँ पे जैसे सपोज करते हैं कि ये एग का सरफेस है, ठीक है, अब इस एग के अंदर देखेंगे तो बहुत छोटे सारे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं जिनको बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ठीक है, इनको बोल दिए कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। इनका फंक्शन मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। एग के सरफेस के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, शायद सभी को मालूम होगा, इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, यह है जोना पेलुसिडा, और इस जोना पेलुसिडा के बाहर अगर हम देखेंगे तो ग्रैनुलोसा के वो सेल्स जो ओवम के सिक्रीशन या ओवम के रिलीज के साथ साथ ओवम के साथ आ गए थे बाहर, ठीक है, इनको यहाँ पे ग्रैनुलोसा ना कह के कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। तो ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स, ठीक है, ये हो गया कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अब इस कोरोना रेडिएटा को आपस में बांध के रखने वाला जो सब्सटेंस है वो है हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, तो ये इसको बांध के रखने वाला हाइलुरोनिक एसिड इसके पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, ये हो गया पूरा कंडीशन, ठीक है। इसको हम बोल दिए हाइलुरोनिक एसिड। अब हमें पता है कि हाइलुरोनिडेज जो है वो हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट कर जाएगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो है वो कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट कर जाएगा, जोना लाइसिन जो है वो जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट कर जाएगा, और इस तरीके से डायरेक्ट ओवम के सरफेस पे पहुंच जाएगा या एक मेम्ब्रेन के सरफेस तक पहुंच जाएगा स्पर्म का हेड, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये सारे सपोज कर लें कि ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये जैसे मान लेते हैं हाइलुरोनिडेज
ये जैसे कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है, और ये जोना लाइसिन, ये सारे इन सारे मेम्ब्रेन्स को डाइजेस्ट कर लिए। अब अगले स्टेज में होगा क्या कि हमें ओवम के सरफेस पे, अब अगर अगला स्टेज हम ड्रॉ करें तो हमको ये कंडीशन दिखेगा कि ओवम के सरफेस पे एक GP3 प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली जो जोना पेलुसिडा है उसी में प्रेजेंट है। वो क्या करता है कि स्पर्म को अपने साथ बाइंड करके रखता है, ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट GP3, इसको हम जेना जो ग्लाइकोप्रोटीन है एक तरह का, ठीक है, जिसको GP3 प्रोटीन्स बोलते हैं। ये क्या किया कि जैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ था और स्पर्म हिट किया था, पीछे से वो फ्लैजिला के हेल्प से चलता भी आ रहा है, तो फ्लैजिला के हेल्प से जब वो मूव भी करता आ रहा है तो ऐसे केस में मेम्ब्रेन पे आकर के वो हिट किया, ये स्पर्म का कंडीशन है, ठीक है। अब इसके सारे कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट हैं, GP3 ने इसको बाइंड किया और बाइंड करके फर्दर आगे के रिएक्शंस को पूरा कराने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जैसे देखेंगे कि ओवम का मेम्ब्रेन और स्पर्म का मेम्ब्रेन जैसे ही आपस में फ्यूज होंगे, ओवम का मेम्ब्रेन और स्पर्म का मेम्ब्रेन जैसे ही आपस में फ्यूज होते हैं, सॉरी यहाँ पे हम इसके लिए एक अलग डायग्राम बनाना होगा, इस चीज़ को देखें, जैसे सॉरी इसके पेरिफेरी पे, जैसे सपोज करें कि ये ओवम का केस और ये पूरा जो रीजन है वो जोना पेलुसिडा का, ठीक है। अब इसी के सरफेस पे GP3 ने बाइंड किया, ऐसे हम अगर ड्रॉ करें तो और सही रहेगा, और ये हो गया स्पर्म, ठीक है। अब कहते हैं कि जैसे ही बाइंडिंग होती है, ठीक है, हम कह दें कि बाइंडिंग ऑफ स्पर्म ऑन एग्स सरफेस लीड्स इनटू कोर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। अब ये कोर्टिकल रिएक्शन क्या है कि जो एग का मेम्ब्रेन है, जो ये आप एग मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये एग मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होता है किसके लिए, कोर्टिकल ग्रैनुल्स के लिए, और कोर्टिकल ग्रैनुल्स इनसाइड एग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब होगा क्या कि जैसे ही स्पर्म और एग की बाइंडिंग हुई, ठीक है, ये मेम्ब्रेन हो जाती है परमिएबल, ठीक है, तो हम ये बोल दें एग मेम्ब्रेन बिकम्स
परमीएबल फॉर कॉर्टिकल ग्रैनुल। और कॉर्टिकल ग्रैनुल के लिए जब एक मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाएगी तो क्या करते हैं, ये ग्रैनुल्स बाहर आ जाएंगे। जैसे हम ये कह लें कि अब जो केस होगा उसमें कॉर्टिकल ग्रैनुल्स मूव करके सारे बाहर आ गए। ये एरिया हमको मालूम है कि जोना पेलुसिडा का है पूरा, ठीक है, ये समझ लेते हैं जोना पेलुसिडा का पोर्शन। और जोना पेलुसिडा और एग के बीच में, ठीक है, जो कैविटी है उसी कैविटी में आ करके ये जो कॉर्टिकल ग्रैनुल्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये कह दें कि कॉर्टिकल ग्रैनुल्स अंदर से बाहर की तरफ आ गए, ठीक है, और बाहर आ करके अपना जो कंटेंट होता है वो रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। बाहर आ करके कॉर्टिकल ग्रैनुल डिफ्यूज़ होते हैं और उनका कंटेंट रिलीज़ हो जाता है। अब कंटेंट जब रिलीज़ हो जाएगा तो एक के मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में एक इम्पेनिट्रेबल लेयर बन जाता है। जैसे ही ये रिलीज़ होगा वो कंसोलिडेट होते होते एक इम्पेनिट्रेबल लेयर तैयार हो जाता है, जो जोना पेलुसिडा के रिसेप्टर प्रोटीन्स को भी, जो एक के लिए रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं जोना पेलुसिडा में, उनको भी इनएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बता सकते हैं कि इसके बाद इम्पेनिट्रेबल लेयर लेयर प्रिपेयर हो गया, ठीक है। दैट ऑल्सो मेक्स जोना पेलुसिडा इम्पेनिट्रेबल बिकॉज इट इनएक्टिवेट रिसेप्टर्स इन जोना पेलुसिडा। तो जो भी जोना पेलुसिडा के अंदर के रिसेप्टर्स हैं उनको इनएक्टिवेट कर दिया, ठीक है। ये रिएक्शन हम कह सकते हैं कि फर्दर हेल्प करेगा, ये रिएक्शन के बारे में हम ये बोल रहे हैं कि ये फर्दर हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन विथ मल्टीपल स्पर्म। जिसे हम बोल देते हैं पॉली स्पर्मी। तो ये पॉलीस्पर्मी को इनहिबिट कर दिया, ठीक है। आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।